हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर अबो व्लॉग्स। दोस्तों हम लोग अभी रेलवे स्टेशन में आया हुआ है और यहाँ से हम लोग अदर स्टेट जाना है इलेक्शन ड्यूटी के लिए। हम लोग जो है यहाँ ये स्टेशन में रात का 12 बजे पहुँच गया था, तो यहाँ स्टेशन में गुजारा है 6 घंटा मन ये बैठ गया था आधा नींद में जैसे जैसे। तो दोस्तों बने रहे, ये लंबा सफ़र का मज़ा हम लोग का साथ लीजिए। और जाने लग गया, अभी यह हमको कंपनी के लिए ब्रेकफास्ट आ गया। ये ब्रेकफास्ट जितनी भी टर्न में टर्न कर रहा है, ब्रेकफास्ट का अटेम्प्ट और यहाँ सेकेंड अरबी का पार्टी लोग भी अपना ब्रेकफास्ट खा रहे हैं। देख लो ब्रेकफास्ट में क्या दिया है हम लोग को, सब्जी और इसमें क्या रैप करके रखा है, खोल के देखो। आलू सोच रहा था सूखा रोटी दिया होगा बोल के। मेरा बारी ब्रेकफास्ट सब हुआ इतने चप्पल में आए, ये जितना भी खाओ बेकार है। मैंने चावल चाहिए अभी सब लोग रिलैक्स मोड में हैं। तीन चार दिन का ये टाइम पास करना पड़ेगा। रिलैक्स करने निकले अंदर बैठ बैठ के दम घुट रहा था, ऐसा गर्म है ऊपर से। अभी खाना इशू हो रहा है, सब लोग अपना अपना कंपनी का अपना अपना भाग लेने गए। अभी हम लोग लंच ब्रेक ले रहे हैं, तो आपको दिखाता हूँ हम लोग को क्या क्या सर्व किया है। ये देखो इसे पिक लंच मिलता है, ऐसा सिंपल सा है। ये मटर आलू, ये सिंपल सा दाल और चावल। टेस्टी है कि नहीं? टेस्टी टेस्टी है, पर वही है नमक में, नमक कम। ये खाना खा के जाना है। खाओ खाओ। हाँ मेरे साहब हो गया आपका, इंडियन रेलवे को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया से फ्रेश लंच प्रिपेयर किया हमारे लिए। अभी हम भी खा के दिखाएगा हम लोगों को कैसा है टेस्ट। चावल का सब जरूरत था बदन में, फाइनली मिल गया। पूरी बजाय घंटों अन्ना को फिलहाल हम लोग खा लिया अपना लंच, पैक लंच जो थोड़ा मन शांति हुआ है, बटन में चावल घुसा है बोल के। या पैसेंजर ट्रेन लोग भी आया हुआ है और ये है हमों का सब तो रिलैक्स होने के, बाहर में निकला हुआ है, गर्मी सह नहीं सक रहा हम अंदर देख के, एक दूसरे का बॉडी हीट और गर्म लगता है। और यहाँ भी हम लोग का पुराना दोस्त वापस मिल रहे हैं, इसे जारी रहेगा दोस्त लोग। और फिलहाल अभी जो है ये रंगिया में हम लोग को रात का खाना हम लोग अभी रिसीव कर लिया और अपना पास रखा हुआ है, और जब भूख लग गया तब खा लेगा बोल के। और यार मेन इंजन को ज्वाइन कर रहे हैं क्या, वही हम लोग का दोस्त लोग देख रहे हैं, नया नया एक्सपीरियंस भी होता है कभी कभी सबको। दोस्तों फिलहाल हम लोग अपना बोगी में क्या कर रहे हैं उसका थोड़ा सा एक झलक आप लोगों को दिखाता हूँ, आइए। ओ यार बढ़िया बढ़िया, क्या हो रहा है?
चलो इतना डिटेल तो नहीं जाएगा। अरे हेलो बोल दो यार। कहानी ऐसे है यार, बहुत साल बाद वापस मिलने वाला दोस्तों के, तो अपना अपना फैमिली फ्रेंड्स लोगों के बारे में बात करके बैठा हुआ है सब लोग। और यार सार लोग भी बैठा हुआ है अपना दोस्तों के बीच में बातचीत करके, सब लोग अपना अपना टाइम पास कर रहे हैं। चिंता मत, हेलो, टेंशन लेना नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये हम लोग का दूसरा दिन है ये जर्नी का, और यहाँ हम लोग ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे हैं, तो वही रिसीव करने में रुका हुआ है अपना अपना कंपनी के लिए। तो वही होगा मेरा हिसाब में, कल जो खाया था वही सेम ब्रेकफास्ट होना चाहिए, मैं दिखाता हूँ मैं आपको। सुबह का ब्रेकफास्ट, यहाँ गर्मी इतना ज़्यादा है कि पूछो यार, खड़ा खड़ा पर स्वेटिंग हो रहा है, और हर एक बोगी जो ऐसा लग रहा है हम लोग, और केस में बैठा हुआ है जैसा। सब लोग अपना शॉर्ट्स में से निकल के रिलैक्स हो रहा है, अंदर बैठने से तो और गर्म लगता है, पंखा तो चल ही रहा है लेकिन बाहर का हवा भी घुस के और गर्म हो रहा है। यहाँ बाकी जवान लोग क्या कर रहे हैं देखते हैं। देखो दोस्तों, यह छोटा सा डैम हवा जाने दे रहा है, और ये है डाउन स्ट्रीम का व्यू, लंबा ब्रिज बन रहा है। तो ये चार्टिंग का सफर जो लंबा लंबा है, ऊपर से इतना गर्मी से रहे हम लोग। नहीं तोड़ेंगे मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो ये देखिए, ये सब तो बहुत कॉमन है लेकिन अपना अरुणाचल में, यहाँ देख के मन शांति हो गया अपना जैसा फील हो रहा है। ये आई थिंक ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है। तो दोस्तों कुछ ही देर में हम लोग अपना स्टेशन पहुँचने वाला, यानी जहाँ हम लोग रुकना है। हम लोग अपना स्टेशन जहाँ रुकना है उधर पहुँच गया, और अभी अपना सामान उतार रहा है, और कुछ ही देर में हम लोग यहाँ से फिर मूव होगा। बस में बैठ गया, सब थका हुआ है गर्मी से, परेशान ऊपर से। तो दोस्तों फाइनली हम लोग अपना डेस्टिनेशन सेफ एंड साउंड पहुँच गया, और यहाँ हम लोग को एक स्कूल में बिठा रहा है, तो अभी सब हम लोग अपना सामान नमा रहे हैं। यार हम लोग को डिस्ट्रिक्ट पुलिस का तरफ से रात का खाना सर्व कर रहे हैं, इतना लॉन्ग जर्नी, इतना थका हुआ समय में ऐसा मदद, बहुत अच्छा लगा, और हम बहुत थैंकफुल हैं। तो दोस्तों ये ख़त्म करता हूँ ये लंबा सफर का व्लॉग, तो मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग पर। बाय बाय।